हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज का जो लेक्चर है एनसीस के ऊपर है, एपीडीएल के ऊपर है। ठीक है, तो एनसीस का एपीडीएल के ऊपर है। लास्ट टाइम हमने जो है केस करा था, पाइप में करे थे, लिंग में करे थे, है ना, ट्रस में करा है। तो आज जो है पाइप में करवाएंगे आज तो आपका। तो पाइप मतलब जैसे पाइप बोले तो साइकिल की फ्रेम होती है, तो पाइप से बनता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे पाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपकी कोई भी आजकल क्या होती है, घर की जो रूफ होती है पाइप का बनती है, और कोई आपकी रेक्टेंगुलर ट्यूब का बनता है। तो ट्यूब और पाइप का कैसे भी फ्रेम हो, आप इस बारे एनालिसिस से आप आराम से निकल सकते हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होती है, तो ये कहाँ, मतलब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कहाँ यूज होता है। कहाँ यूज होता है, यहाँ पे आपको ये पता करना होता है। कोई भी जैसे आजकल क्या घरासम टाइप का जो घर होता है ना, जो नॉर्मल टाइप का घर होता है, देखो ऊपर जो है आजकल लकड़ी की जगह में ना ट्यूब देते हैं, पाइप देते हैं ना, पाइप देते हैं लकड़ी की जगह में, पाइप देते हैं, रेक्टेंगुलर पाइप देते हैं, सर्कुलर पाइप देते हैं। तो उस टाइप में जो एनालिसिस होते हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। उसको उसके साइज वगैरह डिफाइन करना है, कितना लैन है, एमएम है, कितना लैंड है, उसको डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है इसकी पॉइंट निकालना है कि एक से कितना डिस्टेंस में है। अगर कोई मान लो फीट में है, फीट को आप कितने में ले जाओगे, एमएम में ले जाओगे, एमएम में ले जाओगे या फीट में ले जाओगे, किसी के एक यूनिट में आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमएम में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो यंग मॉडुलस वगैरह है ना, वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आती है। तो आपको अगर फिट में है तो इसको एमएम में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना लैंड नहीं रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी एमएम में ही रहता है, तो यहाँ एमएम में कैसे। अगर आपके पास कोई फीट होता है तो फीट को क्या ले जाओगे, इंच में ले जाओगे, इंच से इसको एमएम में ले जाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको। तो अभी जो हम करने वाले है पाइप का करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ए सिंपल बाइसाइकिल फ्रेम, अच्छा ये बाइसाइकिल फ्रेम है। थोड़ा मैं 3D करने के लिए सब चीज को थोड़ा सा हाइट में दे रहा हूँ। बेसिकली ये स्ट्रेट है, हाँ ये स्ट्रेट है। ठीक है, दिस शोन इन द फ्रेम बिल्ड अप एल्यूमिनियम ट्यूब। ओके, एल्यूमिनियम का बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, लाइट वेट में आता है, तो एल्यूमिनियम का ये ट्यूब है। हैविंग आउटसाइड, जो इसके आउटसाइड डायमीटर है ना, इसकी जो आउटसाइड डायमीटर है 30 mm का है। ठीक है, और थिकनेस जो है 2.5 mm थिकनेस है। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेस, अब लोड कहाँ लग रहा है और डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, वेयर यंग मॉडुलस 70,000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे यह है चीजें। अब उसको जो है डायग्राम के साथ देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वन है, ये मेरा 0.0 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वन जो है 325 mm ऊपर है, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे मैं 0.0 ले सकता हूँ, यहाँ पे 0.0 करके भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी। जहाँ 0.0 लेना है, कहाँ पे आपको 0.0 करना है वो आपकी मर्जी है। तो मेरा जो 0.0 है इस वाले पॉइंट पे मैं 0.0 कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वन वाला पॉइंट जो है यहाँ पे है, उसके साथ ये आपका कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एक चीज आपको नहीं चाहिए, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये आपको पॉइंट नहीं चाहिए, जो ये है ना, ये आपको नहीं बनाना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको नहीं चाहिए, ये वाला जो बीम है ना, ये नहीं चाहिए आपको, इसको मना मत देना। ठीक है, ये नहीं सही है, इसको हटा देना, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये नहीं सही है। तो अब देखो, पहला ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों कनेक्ट रहता है साइकिल का। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर आगे कोई बैठता है ना, तो यहाँ पहले जो पाइप आता है वो पाइप होता है, ये स्ट्रेट होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे 3D है, थोड़ा सा मैंने इसको डाउन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दो आपका वो आता है, अलग से निकल के आता है। फिर यहाँ के बीच में जो होते टायर होता है, इसके अंदर जो टायर होता है। फिर यहाँ पे आपका क्या होती है, एक्सेल होती है, जिसमें आप घुमाते हो, पता ही है आपको। तो उसके बाद जो है यहाँ पे दो ट्रस आता है, इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, एक एक्सेल लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि मुझे इसकी पोजीशनिंग करना पड़ेगा, पोजीशनिंग करना है तो इसको हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 1 पॉइंट लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 लेता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है पाइप कहाँ कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, यहाँ कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, इस पॉइंट से इधर कनेक्टेड, इधर कनेक्टेड, इधर कनेक्टेड। तो बेसिकली ये साइकिल है, तो यहाँ पे कौन सा फिक्स सपोर्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला आपका फिक्स सपोर्ट देता है। फिक्स सपोर्ट को मैं किस यहाँ पे मैं स्टार से डिनोट कर देता हूँ, स्टार से करके मैं यहाँ पे जो इसको मेजेंटा कलर देता हूँ। ये जो होते हैं ना, ये फिक्स सपोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये जो होता है दोनों ना, ये दोनों जो होता है फिक्स सपोर्ट में होता है, ये दोनों आपका फिक्स सपोर्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आगे का हैंडल होता है, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट में आएंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सेल होता है, ये यहाँ पे रोटेशन आएंगे, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट होता है। यहाँ तो कोई फिक्स सपोर्ट नहीं होता, ये मतलब इन द एयर होता है, मतलब यहाँ पे ये इस ट्रस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे कितना न्यूटन लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे 500-550 न्यूटन लोड लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 200 न्यूटन लोड लग रहा है, 200 न्यूटन, इसलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लोड देंगे ना, तो यहाँ की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट होता है, तो यहाँ पे भी आपको प्रेशर देना पड़ता है। तो यहाँ पे 200 न्यूटन का हम जो है लोड दे रखा है, यहाँ पे जो है 550 न्यूटन का हमने लोड दे रखा है,
ये हम ना हम लोग का जो है ये डायग्राम है। अब आपको ये देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है, डिफ्लेक्शन ऑफ पाइप। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पाइप, डिफ्लेक्शन मांग रहा है और इसमें स्ट्रेस मांग रहा है। डिफ्लेक्शन भी है यहाँ पे, स्ट्रेस भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। डिफ्लेक्शन भी मांग रहा है यहाँ पे और आपका क्या मांग रहा है, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है डिफ्लेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या मांग रहा है, स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस मांग रहा है, अब स्ट्रेस का आपको डिटेल देना पड़ेगा, कहाँ पे स्ट्रेस मांग रहा है, क्या दे रहा है, आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। और इसको हम बाद में करते हैं एनालिसिस, जब करेंगे तो उस टाइम हम इसको आपको डिनोट करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हम 0 0 मान लेते हैं, ये मेरा 0 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये डायग्राम आप बना लेना, इसको आप जब भी खुद से करोगे ना इसको बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 0 हो गया, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से कितना है, 325 mm हाइट में है 1, और दो नंबर पॉइंट जो है 60 mm हाइट में है। थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट कितना होगा, ये 500 mm हाइट में है और इसका 400 होगा। ठीक है, हाइट में है ये वाला पॉइंट। अब जो है चौथा वाला पॉइंट जो है कितने में है, 500 डिस्टेंस में है। फिर आपका सॉरी पांचवा वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, इसमें गड़बड़ी मत करना, 500 डिस्टेंस में, इस वजह 825 में, 825 में है और ये कितने में है, देखो ये सेंटर से आउट है, ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे गलती मत कर देना, ये मेरा जो सेंटर है ना, मैं यहाँ पे इसको एक सेंटर खींच देता हूँ, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, तो ये सेंटर से आउट है, दो ये वाला पॉइंट, पांच वाला, पांचवा वाला भी आउट है, छोटा वाला भी आउट है, ये सेंटर आउट है, दोनों सेंटर आउट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, खेल यहीं पे भी है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो पांच नंबर पॉइंट है ये कितना है, 825 डिस्टेंस में है और ये जो है 0 0 में है। ठीक है, 0 में है, बस जो जेड है ना, अगर मैं इसको एक्स मानता, इसको वाई मानता, तो ये मेरा जेड हो जाएगा, ये वाला जेड हो जाएगा, राइट। तो जेड कितने में है मेरा, यहाँ पे जो जेड कितने में है, जेड जो है -20 50 mm है यहाँ पे, इसका यहाँ 50 mm है, तो सेंटर से एक 25 mm होगा, इधर वाला 25 mm होगा और इधर वाला -25 mm होगा, तो ये वाला कहाँ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जो है 25 25 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ड्राइंग का जो है हम इसकी पॉइंट निकाल लेंगे सबसे पहले, इसको आपको मिलते ही इसकी पॉइंट निकाल लो साइड में। ठीक है, सबसे पहले आपको पॉइंट निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब की पॉइंट्स बनाओगे तो इसको आपको निकालना पड़ेगा ना, की पॉइंट्स बनाओगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक नंबर कितना है इसमें, एक्स कितना है, एक जीरो है, तो एक्स में यहाँ पे जीरो डाल दिया। वाई कितना है, 325 है। ठीक है, टू नंबर पॉइंट क्या है, 400 है, एक्स जीरो है क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये जीरो होगा, वाई 400 mm होगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट पे आ जाए, थर्ड वाला पॉइंट में यहाँ पे एक्स 500 है, यहाँ पे देखो यहाँ तक 500 लेन में, ये एक ही लाइन पे। ठीक है, मैं 3D के लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया क्योंकि इसको दिखाने में मुझे दिक्कत आई ना, तो मैं इसलिए 3D है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे कितना है, 500 है और वाई कितना mm है, 400 mm में, देखो 500 बाई 400। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा वाला पॉइंट 500 है और यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स जो है लेवल में है, वाई लेवल में है, तो वाई जीरो हो जाएगा आपका। फिर आपका पांचवा वाला आता है, पांचवा वाला पॉइंट देखो ये ऑफसेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 825 मतलब ये वाला लाइन, यहाँ तक वो एक ही लाइन पे। ठीक है, एक ही लाइन पे है तो 825। वाई क्या है, वाई जीरो क्योंकि इधर भी एक ही लाइन पे है, मैं 3D है इसलिए दिखाने के लिए आपको कर दिया हूँ, तो ये भी जीरो हो गया। ठीक है, अब 25 कहाँ से मिल गया, यहाँ पे मेरा सेंटर होगा तो ये ऑफसेट है ना, यहाँ पे 25, या इसको -25 ले लो या इसको -25 ले लो, हम जो है इसको प्लस में ले रहे हैं, पास नंबर वाले को, तो यहाँ पे जो है ये प्लस में ले लिया मैंने, प्लस में लेके यहाँ पे क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 डाल देंगे। उसके बाद जो चौथा वाला आता है, चौथा वाला मतलब ये वाला आता है। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, सेम होगा 825, वाई जीरो और जेड कितना होगा, -25, क्योंकि एक में प्लस होगा तो एक में माइनस में होगा, दोनों में तो प्लस तो होगा नहीं, एक में प्लस करना है आपको, एक में माइनस करना है। तो इस तरीके से जो है इसकी हम पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बना लेंगे। ठीक है, और ये जो पाइप है, इसका पाइप का डायमीटर क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ सो देट आप जो है बढ़िया से करते समय समझ में आ जाएगा। ये 300 का है डायमीटर और थिकनेस कितना है, 2.5 का है। ठीक है, तो 30 mm का पाइप है ये दया, और थिकनेस जो है 2.5 है, थिकनेस भी याद रखना है आपको और डायमीटर भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है हम इसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम जो है पहले एनसीस में जाएंगे, एनसीस में जाने के बाद आपकी मैकेनिकल एपीडियल कहा है। ठीक है, मैं 15 में कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए 15 और बाकी वर्जन में क्या डिफरेंस होता है, मैं बताई दूंगा आपको। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं एनसीस में, सबसे पहले जो होती है आपका प्रेफरेंसेस होती है, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल का काम है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, स्ट्रक्चरल लोगे। ठीक है,
एज मेथड, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या डालेंगे, प्री प्रोसेसर, ठीक है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मेरा क्या है, प्री प्रोसेसर में मेरा एलिमेंट आते हैं, मतलब मैं स्ट्रक्चरल का कौन से एलिमेंट काम कर रहा हूँ। तो अलग अलग बीम आता है, लिंक आता है, ट्यूब आता है, पाइप आता है, तो कौन सी वाली एलिमेंट में काम कर रहा हूँ वो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एलिमेंट टाइप। एलिमेंट टाइप में क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यूमरिक डिग्री, अगर मैं यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाते हैं इसको हम बता सकते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको एलिमेंट सिलेक्ट करना है। एड एलिमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एड में जाऊंगा, एड में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, लिंक है, बीम है, पाइप है, सॉलिड है, सेल है, सॉलिड सेल है, यहाँ पे बहुत सारा है ना, कॉन्स्टेंट है, गैस्केट है, एडहेसिव है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा पाइप लेना है, ठीक है। पाइप है, थ्री डी एलिमेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है, थ्री डी एलिमेंट स्ट्रेंथ में टू नोड्स, ये काम नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर वगैरह दे रखा है, थ्री डी फिनिट है, मतलब एक लिमिट है कहाँ पे काटना है, वो लिमिट हम वहां डालेंगे, आपको थ्री डी फिनिट रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है एलिमेंट रेफरेंस हम इसको ओके करके यहां से इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लियर। उसके बाद जो है हम यहाँ पे रियल कॉन्स्टेंट का जरूरत है आपको, रियल कॉन्स्टेंट एड यहाँ पे करना है, हम यहाँ पे रियल कॉन्स्टेंट हम जो है एड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको मेटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मेटेरियल प्रॉपर्टीज में मेटेरियल मॉडल, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल है, लीनियर है, इलास्टिक है, आइसेंट्रोपिक है। अब यहाँ पे जो मेरा डायग्राम है कितना दे रखा है, यहाँ पे 70,000 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 70,000 डाल देंगे। पॉइजन रेशियो हमेशा 0.3 होता है, 0.33 के आसपास आता है, तो 0.3 हम जो है यहाँ पे आपको पॉइजन रेशियो डाल देना है, ठीक है। पॉइजन रेशियो होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो इसमें इंटरव्यू वगैरह में पूछते रहते हैं कि पॉइजन रेशियो क्या होता है या मुदलास क्या होता है, तो ये सारा चीज़ें आप जो है पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें आप पहले ही पढ़ लेना और कॉपी बना के सारा नोट वगैरह बना लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना होता है तो टेम्परेचर वगैरह भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके करके इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद जो है मेरा जो पाइप बनाया है, उस पाइप की जैसे मेरे को क्या है, डायमीटर दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, वो सेक्शन तो दे रखा है, उस पाइप की मैं सेक्शन कैसे डालूंगा, मतलब मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ उसकी तो मुझे सेक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो मैं उस सेक्शन को कैसे बनाऊंगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन में जाना पड़ेगा, सेक्शन में। अब आपका क्या है, पाइप है, ट्यूब है, क्या है, पाइप है ना, पाइप में जाएंगे। पाइप में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, एड में जाएंगे। अब पाइप की एक सेक्शन है कि दो सेक्शन है, मान लो कभी कभी हम जो पाइप बनाते हैं, अभी तो मेरा एक टाइप का पाइप बना रहा हूँ, मेरा मान लो मेरे पास दो सेक्शन है पाइप का, एक का डायमीटर 30 है, दूसरे का डायमीटर मेरा 50 है, तो यहाँ पे जैसे एक ही सेक्शन है तो मैं एक डालूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास दो सेक्शन होता ना, तो फिर मैं वन अप्लाई करके एक का वैल्यू अलग से डालूंगा, दो का वैल्यू अलग से डालूंगा, फिर बाद में मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन का नाम क्या है, नाम डालना है तो आप नाम भी डाल सकते हो। पाइप का डायमीटर कितना है मेरा, 30 mm का है, ठीक है, mm में है। वॉल थिकनेस कितना है, 2.5 mm है। तो ये मेरा कौन सी है, देखो रीजनल डिवीजन 1 है, तो सेक्शन की जो नाम है, नाम भी डाल सकते हो, वो करना है वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा ना, तो अप्लाई कर दूंगा तो ये एक बन जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक ही सेक्शन है मेरा, तो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा सेक्शन जो है 1 ही हो जाएगा। अगर कहीं पे एडिट सेक्शन करना है तो इसको जाके एडिट कर सकते हो, 2-3 होगा तो 2-3 को भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो एडिट करना है तो ओके में जाके यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। मान लो डिलीट करना है तो दिक्कत आएगी, डिलीट का ऐसा ऑप्शन नहीं है आपको, तो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको दूसरा ऐड करना है, दो अलग अलग सेक्शन है, तो यहाँ पे जाके आप दूसरा सेक्शन यहाँ पे 2 डाल के दूसरा सेक्शन भी ले सकते हो। तो ये सारा चीज़ें आपको बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर अलग सेक्शन रहेगा, एक पाइप मान लो 30 डायमीटर का है, दूसरा 50 का है, तो उसके इसमें कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आती है, सेक्शन के बाद आता है अपना मॉडलिंग आता है, ठीक है, मॉडलिंग आता है। सेक्शन के बाद अपना यहाँ पे सीधा मॉडलिंग पे जाएंगे, मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग पे जाने के बाद क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद क्या करेंगे, की पॉइंट्स बनाना है। की पॉइंट्स के बाद हम लाइन बनाएंगे, तो पहले जो है की पॉइंट्स बनाना पड़ेगा आपको, तो की पॉइंट्स में हम यहाँ पे जाएंगे। की पॉइंट पे जाने के बाद ऑन वर्किंग सेल, इनएक्टिव फेस में जाएंगे। अब वो आपको काम ये है, जो हम पहले पॉइंट बना रखे थे ना, उस पॉइंट को आपको डालना है एक फोटो के हिसाब से। तो हम जो है इसको ऐसे कर लेंगे और इसको भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और इनएक्टिव फेस को हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मेरे को दिख नहीं रहा है, इसको हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, और ये जो है फोटो को इधर ले आते हैं, ठीक है, इन एक्टिव सेल्स को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप
की पॉइंट एक है, की पॉइंट एक मतलब वो आगे वाला है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, जीरो, और यहाँ पे कितना डालना है, 325। 0325 कहाँ से मिल गया मुझे, ये देखो, 8.1 0325, ठीक है, 0325, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, की पॉइंट से आपका टू डालना है, दो की पॉइंट डालना है, ये वाला आपको दो की पॉइंट है, दो की पॉइंट में कितना है, ये 400 है, 400 मुझे कहाँ से मिल गया, यहाँ से देखो, ये हाइट में 400 है, ठीक है, ये जो हाइट में दिख रहे हो ना, ये 400 है आपका, तो यहाँ पे हाइट में हम 400 डाल देंगे। जेड का कोई वैल्यू नहीं है, जेड में अगर डालना है तो जीरो भी डाल सकते, ठीक है, ये हो गया आपका दो का। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड का कितना है आपका, थर्ड में मेरा है 500 और 400, 500 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये 500 है और हाइट जो यहाँ तक 400 है, ठीक है, हाइट जो यहाँ तक 400 है, ठीक है, यहाँ पे 3 डाल के जीरो डालना है तो जीरो भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है, चौथा में क्या है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे क्या है, 500 यहाँ तक है, और यहाँ पे y जो है यहाँ पे जीरो में इरेज कर रहा है, ठीक है, तो y को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो डाल देंगे y को, ठीक है, कितना करना है, जीरो। उसके बाद क्या करना है, 5 मिलाना है। अब 5 में हाई कहानी अलग है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, तो 825 आ जाएगा, 825, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसको 25 कर देंगे, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको माइनस में डालो, क्योंकि उधर प्लस होता है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस 25 कर देंगे। मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये मेरा फिर छोटा हो जाएगा, ये मेरा पासवा हो जाएगा, तो मैं इसको पासवा कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं माइनस 25 डाल दूंगा, क्लियर है। यहाँ मतलब ये वाला जो छोटा है ना, माइनस में आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, प्लस में होगा तो ये मतलब 5 से उल्टा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दे रहा हूँ, मतलब इसको मैं 5 लिया हूँ ना, तो इन दोनों को मैं वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, दोनों वैल्यू को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 नंबर में डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चौथा डालूंगा, चौथा भी यहाँ पे इसको क्या करूंगा, प्लस में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ओके कर देना है। अब इसका काम हो गया, तो इसको हम जो है एक्टिव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सारा सीरिया जो है आपका बन गया है। अब इसको फिर आइसोमेट्रिक कर लेना है, क्योंकि सारा पॉइंट तभी दिखेगा ना जब आप आइसोमेट्रिक करते हो, अदरवाइज तो दिखेगा नहीं, आइसोमेट्रिक करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करोगे तो ये चीज़ें दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा, उसके बाद लाइन में आऊँगा, लाइन में जाने के बाद क्या है, लाइन्स, इन लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लेना है, ज्वाइन लाइन करना है, एक और दो ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइन है ना, ये और ये ज्वाइन है, ज्वाइन है ये, और आपका ये ज्वाइन है, ये 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 ज्वाइन नहीं है आपस में, ठीक है, गलती मत कर देना। अब सारा चीज़ें ज्वाइन करना है किसको, अभी अगर लगे ना आपको गलती हो रहा है तो आप डायग्राम एक बार देख लेना कहाँ पे कहाँ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये ज्वाइन हो रहा है एक, इसके साथ ये ज्वाइन हो रहा है, इसके साथ ये ज्वाइन हो रहा है, इसके साथ ये दोनों ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इसके साथ मेरे दोनों ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखना, सही है, ये लाइन नहीं देना है, ठीक है, ठीक है, इसको नहीं देना है। तो यहाँ पे मेरा ज्वाइन हो गया, अब इसको हम ओके कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन दे दिया। कभी कभी ये चीज़ें आपको चला भी जाता है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं दिखा रहा था, प्लॉट मल्टी प्लॉट, देखो यहाँ पे पॉइंट चला गया, तो क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग लाने के लिए नंबरिंग की पॉइंट नंबर, इसको आपको ऑन कर लेना है, तो यहाँ पे की पॉइंट नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कभी कभी ये ऑटोमेटिकली मेरा चला जा नहीं जा रहा है, कभी कभी आपके आपकी केस में चला भी जा सकता है, तो इसको लाने के लिए कैसे करोगे फिर, तो इस तरीके से इसको लाओगे आप, ठीक है। उसके बाद जो है हम, जैसे अभी लाइन बन गया, अब उसको मेशिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मेशिंग, मैश 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 का कहा गया, ये मेरा मैश रहा, मैश मैश टूल, ठीक है, मैश टूल ये लाइन है, तो यहाँ पे मैं सेट में जाऊंगा, लाइन लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है, सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैश क्यों कर रहा हूँ, मैं मैश मतलब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जितना भी पाइप है ना, उसको मैं मान लो मेरे एक पाइप को मैं अगर लोड लगाऊंगा तो प्रॉपर लोड नहीं रहेगा। अगर इसको मैं मान लो 20 टुकड़े में डिवाइड कर देता हूँ या मैं 50 टुकड़े में डिवाइड कर देता हूँ, तो उसमें लोड लगाने के लिए मेरा इजी हो जाएगा और जो भी मेरा लोड लगेगा वो प्रॉपर तरीके से लोड लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, तो आपको भी ये देखना है कि आप किस तरीके से लोड लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस लिए हम जो है सेक्शनिंग मैशिंग करते हैं, कि जो है प्रॉपरली जो लोड लगती है लोड को डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसलिए हम जो यहाँ पे सेक्शन मैशिंग करते हैं, अलग अलग
नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाते हैं, मेशिंग करते हैं, मान लो एक रॉड में जितना लोड लगाते हैं तो ब्रेक किस तरह हो जाएगा, अगर प्रॉपर मेशिंग करेंगे तो लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इस पाइप को मैं 20 टुकड़े में डिवाइड करना चाहता हूँ लोड को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो आप देखोगे कितने टुकड़े में हो गए, ये 20 टुकड़े में हो गए, ठीक है। अब इसको मैच करना है, मैच करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं मैच में जाऊंगा, मैच में जाने के बाद मैं यहाँ पे जो सबको सिलेक्ट करूंगा ऐसे कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका मैश बन गया। तो ये जो आपकी जो पाइप्स है ना, इसको हम मैशिंग करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मैशिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर अब ये इसके बाद ये चला गया प्लॉट, मल्टी प्लॉट में जाएंगे, देखो यहाँ पे मैशिंग की क्वालिटी देख रहे हो, अगर मैशिंग नहीं होता है तो ये डॉट डॉट वाला सीन में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मैशिंग हो गया, यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मैशिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मैशिंग नहीं करते हो ना आप लोड लगा पाओगे ना फोर्स लगा पाओगे, मैशिंग के बाद ही आप आगे जा सकते हो। वैसे वर्क बेंच में भी ऐसे ही प्रॉब्लम होती है, अगर आप मैशिंग प्रॉपर तरीके से मैशिंग नहीं करते हो तो आगे आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप मैशिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जूम करना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे जूम कर सकते हैं, यहाँ पे मैशिंग हुआ है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, शॉर्टकट वगैरह यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग व्यू पे देखता हूँ, टॉप व्यू, पहले आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैशिंग हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है इसको बॉक्स फिट में कर देते हैं, ठीक है। माउस से स्क्रॉल मत कर देना, अगर माउस से आप स्क्रॉल करते हो ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। साइज कंट्रोल में आप जाके इसकी साइज, स्मार्ट साइज वगैरह भी देख सकते हो, बेसिक टू एडवांस जो भी चाहिए, लेकिन इतना जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन होती है तो फिर उसमें डिटेलिंग वगैरह कर सकते हो, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो इतना डिटेलिंग करने का आपको फिर कोई फायदा तो नहीं है, तो इतना तो आपको काफ़ी होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, इसकी जो हम मैशिंग वगैरह कर दिया, अब मैशिंग के बाद आपका क्या आता है, मैशिंग के बाद जो हम इसकी सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे मैशिंग है, मैशिंग के बाद आपको सीधा मिलेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको कुछ लोड वगैरह जो डिफाइन है, ठीक है, लोड करेंगे, हाँ मैशिंग के बाद हम इसको लोड करेंगे, एनालिसिस टाइप में जाएंगे लोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, डिफाइन लोड, लोड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम अप्लाई लोड, मान लो स्ट्रक्चरल जो भी चाहिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में प्रेफरेंस में रहेंगे, लेने के बाद लोड एनालिसिस टाइप न्यू एनालिसिस कर देंगे, करने के बाद जो स्टैटिक एनालिसिस है इसको हम जो है यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक कर करना है, क्या जो भी एनालिसिस कर रहे हो, कौन सी एनालिसिस टाइप कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक कर देंगे। उसके बाद हम लोड में जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिफाइन लोड, अप्लाई स्ट्रक्चरल, डिस्प्लेसमेंट किस में जाएंगे, हम डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फोर्स में जाएंगे या प्रेशर में जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि की पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स के साथ यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट की जगह ऑन की पॉइंट मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको ऑन की पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स है, मतलब 1 2 है ना, इसको हम की पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्शन मोड को हटाना पड़ेगा पहली बात, तो ठीक है, ये कमांड सिलेक्ट हो रखा है ना, तो यही दिक्कत होता है, इसको मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ये आइसोमेट्रिक में ले आता हूँ, ठीक है, ये फीड व्यू कर दूंगा, ये फीड व्यू है, ठीक है। अब ये चला गया मेरा कमांड, एक कमांड एक्टिव रहेगा तो दूसरा कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको पहले वाले कमांड को हटाना पड़ेगा, ऑन की पॉइंट्स। अब मेरे को क्या करना है, ये दोनों मेरा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे चलने जाऊंगा, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई हो गया, तो मेरा ये जो है फिक्स सपोर्ट हो गया। मैंने आपको फोटो में दिखाया था कौन सा मेरा फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो अब मैं फिक्स सपोर्ट, तो मैं यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो लाइन को जो नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं की पॉइंट को करूंगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको जाके फिक्स सपोर्ट लगाऊंगा 5 वर्ड से, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई। तो मेरा यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 5 और 6 दोनों क्या हो गया, मेरा फिक्स सपोर्ट हो गया, क्लियर है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो आपको कहाँ पे किसको फिक्स सपोर्ट करना है, पहले डायग्राम में डिफाइन कर लेना, उसके बाद ये ड्राइंग स्टार्ट कर लेना, ऐसे नहीं कि आप हवाबाजी में सारा चीजें बना रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक एक चीजें खुद से पता करना पड़ेगा, खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, डन। अब हम काम करते हैं, यहाँ पे हम जो 5 6 होता है अभी, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे मैशिंग के काम करें, मैशिंग का मेरा हो गया, अब मुझे क्या करना है, लोड लगाना है। तो लोड कितना था मेरा, यहाँ पे 550 का था और यहाँ पे 200 का था, 550 लोड था, यहाँ पे डिसेंड हो गया,
यहाँ पे की पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि की पॉइंट में जाने के बाद मेरे को मोमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं की पॉइंट में जाएंगे, की पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्शन कौन सी है, वाई में है, तो यहाँ पे वाई में दूंगा, माइनस में देना है तो -550 का लेके अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई में जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको एफ वाई कर दूंगा, और यहाँ पे कितना था, -200 का था, ठीक है, यहाँ पे 200 है। तो दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपकी इसकी डायरेक्शन जो है, जो आप फोर्स लगाते हो, जो आप चीजें लगा रहे हो, इसकी डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन सही नहीं होगा तो वैल्यू आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे सीधा जाएंगे, जाने के बाद आपको ठीक है सॉल्व में जाएंगे, करंट एनालिसिस में जाके ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन इज डन आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप समझ लो आपका सिरा चीजें प्रॉपर नहीं है, तो आपको ये सॉल्यूशन इज डन आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डन नहीं आए तो आप कहीं पे मैशिंग में प्रॉब्लम हो सकता है या सेक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे कुछ स्टेप आपने मिस करा है, ठीक है। तो मैंने ये इतने बार करा है ना, मुझे सारा चीजें याद हो गया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। अगर आप भी करोगे ना, 2-3 बार करोगे ना, तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अगर एक एक चीजें खुद से करते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं आता। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इसको कैसे करना है, क्या स्टेप लेना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो एक बार जो है सारा चीजें आप कर लेना, तो आपका क्या हो गया, एपीडीएल में मेरा सोल्यूशन जो है हो गया। अब सोल्यूशन मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। अगर इसकी मुझे 3D वो देखना है ना, प्लॉट कंट्रोल में जाके साइज यहाँ पे जाके एक आता है शेप एंड साइज करके, हाँ ये रहा, इसको अगर मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा पाइप दिखाई देगा, ये देखो दिख रहा है ना, साइकिल की फ्रेम देख रहा है ना आपका, तो ये इस तरीके से आप साइकिल की फ्रेम देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फ्रेम देख सकते हो। अभी मैंने कोई एनालिसिस सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं डाला, अब मैंने आपको बस फ्रेम दिखाया, ठीक है। इसको हम फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे साइज में जाके कहाँ है, शेप एंड साइज में जाके इसको हम कर देते हैं ऑफ फिलहाल के लिए। यहाँ पे पॉइंट बहुत ज्यादा मोटा मोटा दिख जाएगा। कभी कभी आप साइकिल में देखते हो कि ये जो है ऐसे मुड़ के आता है, राइट, ऐसे मुड़ के आते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा, उस पॉइंट पे आपको यहाँ पे रेडियस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ पे 7-8 आएगा, फिर यहाँ पे 9-10 आ जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा आपका। और ये वाला प्रोफाइल जो होगा, ये प्रोफाइल जो है बैंड प्रोफाइल रहेगा, ठीक है। तो इस वाले प्रोफाइल को अलग से बनाना पड़ेगा, मतलब डायमीटर तो सेम ही होगा आपका, जो साइकिल बनती है उसका डायमीटर सेम ही होगा पाइप का, लेकिन इसकी प्रोफाइल में पॉइंट लेके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सर्कुलर प्रोफाइल लगाना पड़ेगा। सर्कुलर प्रोफाइल कैसे लगाओगे, रेडियस डाल के आपको डालना पड़ेगा, बताऊंगा आगे उसी से, रेडियस डाल के आपको डालना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी आपको काम करना पड़ सकता है, मतलब वहीं पे कहीं पे अगर मान लो यहाँ पे मेरे को एक और पॉइंट डालना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा ना, तो पॉइंट से तो मैं काम कर रहा हूँ, तो पॉइंट में डालूंगा, फिर यहाँ पे ट्यूब है, इस ट्यूब को इधर लाऊंगा, फिर इसको हल्का सा घुमाऊंगा, घुमाऊंगा कैसे मैं, डायरेक्ट तो ज्वाइन नहीं करूंगा, रेडियस आएगा ना, वेल्डिंग होगा, मान लो यहाँ पे वेल्डिंग है, अब तो वेल्डिंग तो दिखाऊंगा नहीं मैं, वेल्डिंग तो आपको सॉफ्टवेयर तो दिखाएगा नहीं, बस यहाँ पे ये पॉइंट दिखाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, वो उस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर इसको घुमाना है तो यहाँ पे एक पॉइंट डालना है, मान लो 4 है, यहाँ पे 5-6 आएगा, फिर 5-6 के बीच में जो है एक पाइप बनाओगे, इस पाइप की प्रोफाइल अलग होगा, उस पाइप का आपको प्रोफाइल अलग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मेथड। तो यहाँ पे मेरा जो है सॉल्यूशन जो है, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्यूशन जो है मेरा डन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, इसकी मुझे लोड दिखना है, स्ट्रेस दिखना है। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे, स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो मैं अभी देख सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम जो है इसकी डिफ्लेक्शन निकालते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया तो उसको हम बता देते हैं। जनरल प्रोस्पेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम प्लॉट रिजल्ट, प्लॉट कंट्रोल, ठीक है, प्लॉट रिजल्ट, यहाँ पे हम डिफॉर्म शेप, डिफॉर्म शेप में जाएंगे, डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म अप्लाई। तो यहाँ पे जो ये डिफॉर्म अनडिफॉर्म में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो आपको पता लग गया है। कंटूर प्लॉट, नोजल सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सम, डीएफ सॉल्यूशन एंड उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सम, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देते। अब यहाँ पे देखने में मजा नहीं आ रहा है, अब जो है इसको आप कर सकते हो स्टाइल में जाके, शेप्स एंड साइज में जाके इसको आप जो है ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसको एनिमेट करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको एनिमेट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे जाके इसको एनिमेट कर सकते हो। एनिमेट में जाके आप यहाँ पे डिफॉर्म शेप, उसके बाद जो है कितना करना है, डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो है डिफॉर्म और अनडिफॉर्म का आप यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हो। या इसके बाद अगर आप चाहते हो ना कि मैं जो है इसको कलरिंग में दिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कलरिंग में दिखना है ना, तो यहाँ पे आप एनिमेट में जाना है,
एनिमेट के जाना हुआ है, डिफॉर्म रिजल्ट पे जाना है, यहाँ पे स्ट्रेच जाके यूसम देखना है, डिले टाइम कितना करना है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ फ्रेम कितना डालना है, यहाँ पे फ्रेम भी डाल सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ेगा अगर फ्रेम ज़्यादा डालोगे तो सिस्टम में ज़्यादा लोड पड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो है डिफॉर्म अन डिफॉर्म करके इसको आप देख सकते हो। मैक्सिमम लोड कहाँ पड़ रहा है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेड एरिया है तो इस यहाँ पे मैक्सिमम आपका लोड पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, सस्पेंशन वगैरह देना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम सस्पेंशन वगैरह देते हैं। जो डंप होता है क्या करेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम लोड लग रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है कहाँ पे बेसी ज्यादा से लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोड को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लोड इधर पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, अगर पाइप में एल्यूमिनियम है तो क्या यहाँ पे हम जो है यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे सस्पेंशन देते हैं, इधर भी सस्पेंशन होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे सस्पेंशन डालते हैं, ठीक है। तो ये था इसकी प्रोसेस। अब जो है हमने अभी आपको क्या क्या और सही रिजल्ट, मान लो आपको रिजल्ट और क्या क्या सही है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या रिजल्ट सही है, मैं अगर इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ, ये वाला व्यू में आप देखो, ठीक है, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है, सारा चीज आपको पता लग जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आपको और चाहिए, जैसे आपको और रिजल्ट चाहिए, प्लॉट कंट्रोल नोडल सॉल्यूशन जो भी सही, स्ट्रेस निकालना है ना, तो स्ट्रेस का आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जो भी सर आपको स्ट्रेस वगैरह सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, नोडल सॉल्यूशन में जाके रोटेशन सेक्टर शाम सही है, या उसके बाद जो है हम कंट्रोल प्लॉट सेक्टर शाम, उसके बाद लिस्ट रिजल्ट में जाके यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, नोडल सॉल्यूशन जो है यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, रेट रिजल्ट प्लॉट कंट्रोल डिफॉर्म शेप मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद प्लॉट कंट्रोल एलिमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। एलिमेंट सॉल्यूशन आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन स्ट्रेस में थोड़ा अलग तरीके से निकालूंगा आपको, अभी आप देखते जाओ, ठीक है। स्ट्रेस में जाऊंगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस ये पूछते रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और यहाँ पे जाऊंगा मैं नोडल सॉल्यूशन में जाके यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस ये पूछता है, ठीक है। ये दोनों का आपको वैल्यू डालना पड़ता है कभी कभी, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दे रहा हूँ। और थर्ड चार्ज जो होती है, एक फॉर्न मैसेज स्ट्रेस आता है, ये फॉर्न मैसेज स्ट्रेस, हाँ ये बहुत पूछता रहता है ये फॉर्न मैसेज स्ट्रेस, ठीक है। ये तीन स्ट्रेस जो है आपको जो वी वी पी पी वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ें आपको डालना पड़ेगा कि फॉर्न मैसेज स्ट्रेस क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपने को, अभी यहाँ तक तो हो गया आपका, अब जो हम बनाएंगे इसके आगे वाला, जो अभी आपने को स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया है। अब जो है इसकी स्ट्रेस कैसे निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो स्ट्रेस निकालने के लिए आपको जनरल प्रोस्पेक्टस में जाना है, जाने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो मेरा एलिमेंट है, मुझे एलिमेंट की स्ट्रेस निकालना है, तो मैं एलिमेंट टेबल में जाऊंगा। एलिमेंट टेबल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफाइन टेबल में जाऊंगा, डिफाइन टेबल मुझे टेबल बनाना है स्ट्रेस की, एक स्ट्रेस बनानी। देखो अभी स्ट्रेस भी पूछ सकता है ना, कभी कभी स्ट्रेन भी पूछ सकता है, तो स्ट्रेस भी आपको पता होना चाहिए और स्ट्रेन भी पता होना चाहिए कैसे निकालता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली जो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं ऐड में जाऊंगा, ऐड में जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं मुझे क्या निकालना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ होता है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना खुद का बनाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना लिंग्वेज से बना रहा हूँ, कैपिटल में डाल रहा हूँ। स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस निकालने के बाद मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे बाय सिक्वेंट नंबर, सिक्वेंट नंबर में जाके मैं एल एस सिलेक्ट करूंगा, तो एल एस में क्या होगा मेरा, यहाँ पे वन डालूंगा मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सोलह चीजें मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको डालना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाने के बाद मैं एल एस डालूंगा, डालने के बाद यहाँ पे जाके मैं वन डालूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, तो देखो बाई सिक्वेंस नंबर एंटर सिक्वेंस नंबर सिलेक्शन बॉक्स सी टेबल यहाँ पे दिया रहा है, आपको फोटो किसके रखना है तो फोटो किसके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा स्ट्रेस मिल गया। अब मुझे इसकी स्ट्रेन बनाना है, अब स्ट्रेस कहाँ बना मेरा, यहाँ पे मेरा स्ट्रेस बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, स्ट्रेन बनाना है, एस टी आर ए आई एन स्ट्रेन बनाना है। तो अब जो स्ट्रेन बनाना है मुझे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रेन लिखूंगा, ठीक है, स्ट्रेन मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है आपका सिक्वेंस नंबर वो डालना है, ठीक है, सिक्वेंस नंबर डालना है। तो यहाँ पे सिक्वेंस नंबर डालूंगा, अब जो है मैं क्या लूंगा, एल ए पी ई एल लूंगा, ठीक है, एल ई पी एल लूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या डालना है, इसमें भी आपको लास्ट में जाके जो है सिंपली वन प्रेस करना है, ठीक है। टेबल नंबर वन है इसलिए आपको वन डालना है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा क्या है, एल एस बन गया है, एल पी भी बन गया है, कंपोजिशन वन है, टाइम टेबल क्या है, करंट क्या है, इस तरीके से मैं बनाऊंगा। अब मुझे थर्ड अगर कुछ बनाना है, ठीक है ना,
यहाँ पे मैं छाछ बनाऊंगा तो मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे फोर्स बनाऊंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या डालूंगा, फोर्स निकालूंगा यहाँ थर्ड वाले पे, फोर्स, ठीक है भाई। सीक्वेंस नंबर यहाँ पे आपको ये रखना है, ठीक है, ये जिसके साथ जो रखना है वही रखना है। आप वहाँ पे कुछ आप जो है शेरखानी मत करना, ठीक है, मैं जैसे बता दे रहा हूँ आपको वैसे रखना है। आप अपने हिसाब से कुछ चेंज मत करना। अगर मैं स्ट्रेस रख रहा हूँ तो मैं एलएस रख रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रेन रख रहा हूँ, ठीक है, मैं एलएफ रख रहा हूँ, अगर मैं फोर्स रख रहा हूँ तो मैं कौन सा रख रहा हूँ, स्माइल रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज कर ही नहीं करना, सब सब में वन वन डालना है, क्योंकि वन वन क्यों डालना है, यहाँ पे सबकी एक ही नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, फोर्स निकाल लिया, वो निकाल लिया, मैंने सारा चीजें निकाल लिया। अभी मुझे यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो ये जो सारा चीजें है ना, ये जो है इसका यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये मेरा जरूरत नहीं है, इसको मैं ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ये बन गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट टेबल जो है उस एलिमेंट टेबल को मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एलिमेंट टेबल कहाँ बनेगा, तो मैंने प्लॉट कंट्रोल बना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था एलिमेंट टेबल आपको मिलता है, इसको बनाना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, बनाया था ना स्टार्टिंग में आपको बताया था एलिमेंट टेबल जो है हम इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट टेबल में जाएंगे, स्टेज सही है, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद इसको मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे आप इसको देखोगे, जैसे मेरे यहाँ पे ये बन के आ रहा है, तो मैं इसको जो है आपको एक चीज करना पड़ेगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओके नहीं करूंगा तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मेरा कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रेस मैंने तो निकाल लिया, लेकिन मुझे डिफ्लेक्शन है वो कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है पता तो नहीं मुझे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने की बात यहाँ पे आपको मिलेंगे स्टाइल, शेप एंड स्टाइल में मिलेंगे आई थिंक, नहीं इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा दिखने में सेम ही होता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे है, नहीं इसमें भी नहीं है, एक सेकंड, हाँ मैं आपको बता देता हूँ अभी, स्टाइल एस ऑप्शन, एज ऑप्शन ना, ये आपको मिलेंगे स्टाइल में, शायद शेप एंड साइज में है, ऑन प्रेजेंट 0.5%, ठीक है, रोटरी एक्सिस ये शेप सेंस यहाँ पे नहीं है, प्लॉट कंट्रोल साइज साइज हिडन लाइन शेप एंड साइज में भी नहीं है। तो ये आपको मिलेंगे प्लॉट की पॉइंट्स नंबरिंग, हाँ इधर मिलेंगे, ये रहा नंबरिंग कंट्रोल वैल्यूज, ठीक है। इसको आपको सेल वैल्यू ऑन कर लेना है, इसमें ऑन कर ले में देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन नंबर मिल जाएंगे, अगर आपको इसको जूम करके भी देखना है ना, तो आप जो है इस तरीके से आप जूम करके देख सकते हो कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पॉइंट में मिलेंगे सारा वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको जूम करके देखना है ना, तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट में भी आप जूम करके देख सकते हो, मान लो मुझे इस वाले पॉइंट में जूम करके देखना है, यहाँ पे भी आप जूम करके देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप जो है स्ट्रेस निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके नंबरिंग में जाके इसको ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस मिल गया है। अब आपको एलिमेंट टेबल में जाके आपको अगर आपको स्ट्रेन देखना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेन देख सकते हो, स्ट्रेन देखने के बाद अप्लाई कर देना, ये आप स्ट्रेन जो है अलग से आ जाएगा, ये आपका सेंस हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे एलिमेंट टेबल में जाऊंगा, जाके मैं स्ट्रेन कर दूंगा, तो ये आपका स्ट्रेन में आ जाएंगे। एलिमेंट टेबल में जाऊंगा, आपको फोर्स देखना है तो ओके कर दूंगा, तो ये सेंस हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो मैंने क्या कितना डाला था, 550 SML कितना में कहाँ पे हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इन फ्यूचर आपके पास कभी बोले कि स्ट्रेस स्ट्रेन फोर्स निकालो, तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो किस तरीके से देखना है, पॉइंट निकालना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालना है, उसकी आप स्क्रीनशॉट लेना, मैंने आपको सिखा दिया है ना। तो इस तरीके से जो है हर एक पॉइंट में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हम इसको फाइनल में नोडल सॉल्यूशन ही रखेंगे। तो इस तरीके से जो है आप सारा चीजें यहाँ पे कर सकते हो, तो बहुत ही इजी है। अगर आपको सेम साइज में शेप में वगैरह भी देखना है, तो आप जो है शेप में वगैरह में देख सकते हो, शेप एंड स्टाइल में जाके डिस्प्ले द एलिमेंट साइज, शेप एंड साइज इसको हम ऑन करके इसको ऑफ कर लेते हैं, फिर अगेन जाएंगे इसमें प्लॉट में जाके साइज साइज एंड शेप्स जाके इसको हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम क्या जाएंगे, नोजल सॉल्यूशन जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से हम अप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो आपको पता लग गया। कभी हम मान लो कोई बंदे आप स्ट्रेस निकालने देते या स्ट्रेन निकालने देते या फोर्स निकालने देते, किस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो ये तरीके से निकालोगे, कभी भी चीज़ का दिक्कत नहीं आएगा। ये आपका प्रोसेस था किस तरीके से आप ये सारा चीज़ें निकाल सकते हो, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो जो भी चीज़ें आपको निकालना है। पाइप की ये कॉन्सेप्ट था, अगर आपको अलग अलग सेक्शन निकालना है पाइप में, पाइप में ऐसे सिंपल केस मिलेंगे, क्योंकि ऐसे आपको केस बनने के लिए आपको दो केस मिल सकता है। अभी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना,
वो आपको एक न्यूमेरिकल देंगे करने के लिए, इस तरीके से न्यूमेरिकल होंगे। तो यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल, अगर अलग अलग सेक्शन मान लो आपको ये दे सकता है कि ये वाला सेक्शन जो है पटला सेक्शन दे सकता है, ये दुरुपयोग सेक्शन जो है ना पटला दे सकता है। मान लो यहाँ तक आपको देंगे 30 mm का डायमीटर का दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दे सकता है ये 25 का दे दिया या 25 का दे दिया। तो उस केस में कैसे बनाओगे, दो अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा, सेक्शन बना के मैचिंग करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर बाद में कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही रखता है, अगर कुछ चीज़ें आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। बहुत दिन हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गया। आज भी मेरा दोस्त की मतलब कुछ हमने एक साथ हमने पढ़ाई करा था, स्कूल की फ्रेंड है, आज उसकी शादी है, फिर भी अभी देखो आप मतलब 6:35 हो गया, मैं भी वहाँ पे भी जा नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना काम पेंडिंग हो रखा है ना कि उसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, इतना ही है वीडियो में। अब ये सब चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, तो पहले आप लोग ये सब चीज़ें बना लेना, कैलकुलेशन कर लेना, जैसे जैसे मैंने शुरू करा है तो आप करोगे बहुत टाइम लग जाए इसको बनाने में। मैं स्टार्टिंग में बना बना के फिर आप लोग को जो है वीडियो वगैरह बनाया हूँ, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से बना लेना। इसको जैसे ये फिक्स सपोर्ट है, इसको मुझे दे रखो फिक्स सपोर्ट है, तो इन दोनों को फिक्स सपोर्ट कर लेना, इन दोनों को फिक्स सपोर्ट कर लेना, और बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये जो होता है ना यंग मॉडुलस होता है, और अगर आपको पॉइजन रेशियो होती है, कौन से एल्यूमिनियम का पॉइजन रेशियो होता है आपका 0.33 के आसपास आता है, ठीक है। सबका गोल्ड का अलग होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, जो गोल्ड वगैरह होता है ना उसका 0.5 के आसपास होता है। और जो भी आप गोल्ड के लिए तो आपको बनाने देंगे नहीं, मैक्सिमम एल्यूमिनियम स्टील का, स्टेनलेस स्टील सब का भी देंगे आपको, तो इसका आपको याद रखने वाला है। एवरेज तो आप मान के चलो 0.3 आप मान के काम कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी आपको मिल भी जाते हैं क्वेश्चंस में कितना होता है, और ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि पॉइजन रेशियो होता क्या है, ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें पूछ देते हैं। बाकी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप आराम से बना सकते हो, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया है। और पाइप हो गया, अब उसके बाद एपीडियल में हम एक और दो केस करेंगे, उसके बाद हम वर्क बेंच में आ जाएंगे। लगभग आपका जो है खत्म होने वाला है एपीडियल, अब एक दो केस और करेंगे, उसके बाद आपको वर्क बेंच में ले आऊँगा। अब एक आपको ये कराना है कि कोई भी एक फाइल यहाँ पे बनाना है, बना के उसमें एनालिसिस करना, एक तो वो रहेगा, और आप एक जो है मैं अलग केस करवाऊंगा आपको, या फिर दो केस और कराऊंगा, फिर मैं आपको वर्क बेंच में ले आऊँगा। तो वर्क बेंच में मान लो लगभग हम 8-10 वर्क बेंच कर लेंगे, 8-10 टाइप का जो होता है। मान लो कभी कभी एक होता है आपकी स्टैटिक होता है, एक हार्मोनिक होता है, एक एक्सप्लिसिट डायनेमिक, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या मैं आपको यहाँ पे, लेकिन बहुत बढ़िया है चीज़ें को अगर प्रॉपर तरीके से करते हो ना, तो सीखने के लिए बहुत है यहाँ पे। फ्लूइड का करा दूंगा आपको, पहले इसको ओपन होने देते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर मान लो आपके पास लाइसेंस, अभी देखो अभी तो आप वर्कबेंच एपीडीएल कर रहे हो, वर्कबेंच में अगर लाइसेंस की इशू आता है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी आगे बताऊंगा आपको। और कुछ चीज़ें हैं आपको, वैसे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो होती है आपका, जैसे हम यहाँ करते हैं, एक आपका मैं शेप एक्स कराऊंगा, फ्लूइड फ्लो ड्राइंग कराऊंगा, ये दोनों कराऊंगा आपको, ये शेप डी में आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडल एनालिसिस कराऊंगा, उसके बाद आपको स्टैटिक स्ट्रक्चर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टेडी स्टेट थर्मल कराऊंगा, इसके बाद आपको कराऊंगा मैं ट्रांजिएंट थर्मल कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे और आपका आती है, जैसे हार्मोनिक एनालिसिस कहा गया मेरा, फ्लूइड फ्लो हार्मोनिक कंपोनेंट में आएगा शायद 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 कस्टम मेड टारगेट, ये आपका जो होता है इलेक्ट्रिकल का भी आता है यहाँ पे, इतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा सीधे का मॉडल कराऊंगा, हार्मोनिक करवाऊंगा, स्टैटिक स्ट्रक्चर, स्टेडी स्टेट थर्मल, ट्रांजिएंट थर्मल, ये सब चीज आएगा आपका। लीनियर बकलिंग का एक केस कराऊंगा आपको मैं, यहाँ पे होता है इंपैक्ट लोड होता है ना, तो कहीं पे एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स होता है, जैसे कोई कान चलता है या गोली जा रहा है, एक कार जाके आप दीवार में टक्कर मारता है तो क्या रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में आती है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको लगभग 10 करा रहूँगा, 8-10 करा रहूँगा मैं इसमें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा यहाँ पे। लेकिन हार्मोनिक एनालिसिस मुझे मिल नहीं रहा है, हार्मोनिक एनालिसिस कहा है शायद वो हाइड हो रखा है, इसको लाना पड़ेगा आपको। हार्मोनिक एनालिसिस जहाँ पे हम ऑटोमोबाइल पार्ट करते हैं, वहाँ पे मॉडल एनालिसिस भी करते हैं, हार्मोनिक एनालिसिस भी करते हैं। ये रहा हार्मोनिक रिस्पॉन्स, यहाँ पे अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हार्मोनिक एनालिसिस कराऊंगा, एक तो मॉडल एनालिसिस कराऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें कराऊंगा इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब एपीडीएल में खत्म होगा ना तो वर्क बेंच में आओगे तो आपको और मजा आएंगे, मतलब सीखने में बहुत बढ़िया लगेंगे कि हाँ। लेकिन इसमें सिस्टम बहुत क्रैश होता है तो आपके सिस्टम सही होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप बढ़िया से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। तो ये सारा चीज़ें एक बार कर लेना खुद से करके, एक बार खुद से वैल्यूज वगैरह चेंज करके भी कर लेना, कभी कभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आते तो मैंने से पूछ लेना।
जरूर लेना, बहुत देखने में इजी लगता है जब करते हो, बहुत कुछ चीजें आपको पता लग जाता है फिर, ठीक है, क्या गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसको आपको पता करके ही सही से बनाना है। बाकी कहीं पे कुछ चीजें होगा तो पूछ लेना। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आज आपको, क्योंकि गैप हो गया था, दो वीडियो एटलीस्ट मैं आपको भेज दूंगा आज, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कर जरूर लेना, नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। चीजें देखने में इजी होता है, जब करते हो ना बहुत कुछ चीजें पता लग जाता है आपको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, टेक केयर।